चलिए स्टार्ट किया जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन पिछली क्लासेज में हो गया था। अब आगे चलते हैं, आगे एक चीज़ और समझे कि ये डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई में रिलेशन क्या है। डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई में रिलेशन क्या है, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा। वन, बस खत्म रिलेशन, यही रिलेशन है इसमें, है ना। इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना, वन, यही है रिलेशन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी वाई वन बाई साइन थीटा, बस आंसर आ गया, है ना, यही रिलेशन है दोनों में, प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, मिटा दें इसको, मिटा दें, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई में यही रिलेशन है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई किया तो डी एक्स से डी एक्स कट गया और डी वाई से डी वाई कट गया, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि डी वाई बटे, ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आप क्या समझते हो कि डी वाई बटे में डी एक्स है, नहीं, ये डी डी एक्स जो डी वाई डी एक्स ये कह रहे हैं ना, ये पूरा एक ऑपरेटर होता है, किसका निकालना है बस वही इसके आगे लग जाता है, वाई का निकालना तो वाई रख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, रियल तरीके से इसको डी डी एक्स ऑफ वाई बोलना चाहिए, लेकिन आदत में है, बोलने का क्या मतलब, मैथ बोलने का सब्जेक्ट नहीं लिखने का सब्जेक्ट है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। तो इसको डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है, ना कि डी वाई बाई डी एक्स। अगली चीज़, हमने किसका किसका डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया, इनवर्स का पढ़ लिया, अलजेब्रिक का पढ़ लिया, लॉग का पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया। एक नए टाइप का फंक्शन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन को पहचानना सीखें, इम्प्लिसिट फंक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन, क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। क्या होता है अस्पष्ट फलन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं आप, वाई इज इक्वल साइन एक्स में डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स का मान सोचो, कोई भी सोच लो, एक्स का मान कितना रख दिया जाए, 30 रख लो, 60 नहीं रख सकते, 90, क्या ये स्वतंत्र है कि परतंत्र है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड, आपने एक्स की वैल्यू रख दी साइन 30, वाई की भी वैल्यू कुछ रख दो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई की वैल्यू तो 30 साइन 30 आएगी ना, वाई की वैल्यू थोड़ी आप कुछ रख सकते हो, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 1/2, y की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, x पे, तो y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी y इज इक्वल एफ एक्स में x क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग किए जा सकते हैं, जैसे एक्स वाई प्लस वाई इज प्लस वन या माइनस वन इज इक्वल जीरो, ये दिया हुआ है, मैं चाहूँ यहाँ से वाई कॉमन ले लूँ, अंदर कितना बचा, एक्स प्लस वन, माइनस वन को उधर भेज दूँ तो प्लस वन, है ना, वाई एक्स प्लस वन उधर भेजा प्लस वन, एक्स अपॉन वन वहाँ चाहूँ तो अपॉन में भेज दूँ, वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्या एक्स और वाई अलग अलग है, एक्स और वाई अलग अलग, जब एक्स और वाई अलग अलग हो गए तो इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन, है ना, वेरिएबल सेपरेट हो गए इसमें, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं इसको, कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, समझ रहे हो। और यहाँ पता चल रहा है y किसका फंक्शन है, x का। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आप y और x को अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल जीरो, इसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, x और y साथ में ही रहेंगे, समझ रहे। जैसे अगर आपने यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, y नहीं x, एक्स वाई कॉमन ले लोगे x बचेगा ना, यहाँ y बचा प्लस में कितना, वन इज इक्वल में जीरो, ठीक, समझ रहे हो। अब ये एक्स वाई एक साथ में है, ये भी एक्स वाई एक साथ में, अलग अलग नहीं हो सकते, तो इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। यहाँ स्पष्ट ही नहीं हो पाता कौन किसका फंक्शन है,
और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात? जनरल केस में हम y को डिपेंडेंट मान के चलते हैं और x को इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल जीरो का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या करेंगे, सबके आगे क्या लगा देंगे, डी वाई डी एक्स, है ना, पूरे फंक्शन के आगे। इधर भी डी बाई डी एक्स जीरो ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल में जीरो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस टू एक्स। समझ में आई बात, है ना। इस तरह से डिफ्रेंसिएशन हमें करना रहेगा। क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। एक बात समझ में आई, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई अलग अलग ना हो सके, अस्पष्ट फलन। एक एग्जांपल से समझे, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो। डिफ्रेंशिएशन करना है और आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा इसमें, तो किया जाए। जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये तो किनारे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू एच किनारे हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, एक्स इंटू वाई प्लस बी वाई स्क्वायर का टू वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा, क्यों, एक्स का डिफ्रेंशिएशन थोड़ी कर रहे हो, वाई का कर रहे हो, इसका टू जी एक्स का टू जी, टू एफ वाई का टू एफ डी वाई बाई डी एक्स, वाई का तो वन हो गया, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ा, प्लस में सी का बराबर जीरो, है ना। ये हो गया कितना, टू ए एक्स प्लस टू एच, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, बचा कितना वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, बचा कितना एक्स, एक्स को हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस ये कितना बचा टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू जी प्लस टू एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल जीरो। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स वालों को कॉमन कर लो, टू ए एक्स प्लस टू एच वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स हम ले ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, टू एच एक्स बचेगा ना, यहाँ कितना बचेगा टू बी वाई, यहाँ टू एफ और प्लस में टू जी तो है ही, टू जी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बराबर कितना जीरो। अब जब ये पूरा पक्षांतर होके उस तरफ जाएगा, ये पूरा पक्षांतर होके उस तरफ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला पूरा पोर्शन इधर आएगा, तो माइनस के साथ मैं लिख देता हूँ टू जी प्लस टू ए एक्स प्लस टू एच वाई, और अपॉन में ये पूरा मल्टीप्लिकेशन वाला अपॉन में जाएगा, कितना आ जाएगा टू एच एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू एफ हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, दो कॉमन लेके कैंसिल कर देना, यही हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपसे डी एक्स वाई डी वाई पूछ ले तब, डी एक्स वाई डी वाई पूछ ले तब, इसी को इन्हें उल्टा कर दोगे, है ना, इसी को उल्टा कर दोगे, रिलेशन तो बताया ही हमने, हो जाएगा, मिटा दो उसको। और एक क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 42। डी वाई बाई डी एक्स बताना है तो करते हैं, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू को किनारे रखा, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे, एक्स को छोड़ा वाई का, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को छोड़ा एक्स का वन, वाई को छोड़ा एक्स का वन, वाई क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर, साथ में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल में जीरो। अब टू एक्स प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल जीरो। कुछ कॉमन है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स अंदर कितना बचेगा,
टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल में ये और ये माइनस में उधर गया तो कितना आया टू एक्स प्लस टू वाई, ये पूरा पोर्शन अपॉन में भेज दोगे तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा टू एक्स अपॉन थ्री वाई स्क्वायर अपॉन में जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये तो नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, ऊपर कितना बचा माइनस टू एक्स प्लस टू वाई, यही हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। उल्टा निकालना हो तो इधर भी उल्टा कर दे। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, या आप लोग बताइएगा अगर हो जाएगा तो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल थ्री ए एक्स वाई हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो फिर एक ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं, बता रहा हूँ इसको मैं। वाई इज इक्वल नहीं दिया है, कह रहा है लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, कह रहे dy बाई डी एक्स बताइए कितना होगा dy बाई डी एक्स। तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही है ना। तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन x की जगह कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपको अलग से डिफ्रेंशिएशन लिखना पड़ेगा किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इज इक्वल में टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है वाई बाई एक्स तो वाई बाई एक्स का स्क्वायर, साथ में आपको लिखना क्या पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स। इतनी बात क्लियर होगी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल में टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन वाला एक्स स्क्वायर कहाँ गया ऊपर गया, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स अंश बटे हर, हर का हर को ऊपर छोड़ दें, डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई माइनस वाई को छोड़ दें एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन। ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बचा कितना टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। हमने किया क्या, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रख लिया, कौन सा वो तो कट गया ना, वो कटेगा नहीं इससे, वो काट दिया हमने ना, जल्दी काट दिया, तुम समझ नहीं पाए। ठीक, अब वाई को एक साथ कर लो, डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सीधे लिख रहा हूँ वाई माइनस एक्स। ठीक, अरे वाई माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये प्लस का एक्स इधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, अब क्या है डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो कितना गया, उधर माइनस कॉमन लिया तो कितना आया एक्स प्लस वाई, इधर माइनस कॉमन लिया तो आया एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस यही आंसर हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। समझ में आया कुछ, चलिए एक और सवाल करिए। एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर लेंगे। ये किस फॉर्म में है अभी, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं इसके, अभी नहीं है ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे पहली चीज़ तो अंडर रूट दिए हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी है ना।
तो हम करेंगे क्या, अच्छा कभी कभी होता यह है कि आपको बिना वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड भी, मतलब बिना इम्प्लिसिट फंक्शन के दे देगा, अस्पष्ट फलन वो रहेगा नहीं, देखने में क्या लगेगा कि अस्पष्ट फलन है लेकिन वो रियल में अस्पष्ट फलन रहता नहीं है। जैसे बच्चों को ये सवाल दिया जाता है तो वो सीधे लगा देते हैं डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो, हो सकता काम बन जाए, ना लगाना पड़े। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये चीज़ अंडर रूट हटा लो, अंडर रूट हटाने के लिए इनको उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक्स वन प्लस वाई इज इक्वल माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इन सबको इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक। अच्छा एक्स स्क्वायर और ये कितना है वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना जीरो, इसमें कुछ कॉमन, एक्स कॉमन ना, तो बचेगा कितना एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा नहीं, और दूसरी तरह से करते हैं, यहाँ बात यहाँ नहीं, तो बात तो वही ऊपर वाली बन जाएगी ना, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग कर लें, प्लस में यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, प्लस में यहाँ एक्स वाई कॉमन कर रहा हूँ, एक्स वाई कॉमन करते अंदर कितना बचा एक्स माइनस वाई इज इक्वल कितना है जीरो। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन कर लिया, तो एक्स वाई कॉमन करते ही एक्स चला गया, वाई चला गया, एक्स बचा ना, एक्स माइनस वाई बराबर कितना, कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है क्या, एक्स माइनस वाई कॉमन लेके उधर भेज दिया जीरो। एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर जीरो, यहाँ से कुछ कॉमन वाई बचेगा कितना वन प्लस एक्स ना, इज इक्वल कितना जीरो, इनको उधर भेज दो, तो वाई वन प्लस एक्स इज इक्वल माइनस एक्स, वाई इज इक्वल आ गया माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन था, एक्स और वाई अलग अलग हो गए इम्प्लिसिट फंक्शन, तो नॉर्मल तरीके से भी इसका तो कर सकते हो, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाओगे इंच बटे हर लगा के, हो जाएगा ना, ये हो गया ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन, नहीं यहाँ भी कर देते तो आता ही आंसर, आंसर थोड़ी ना ऐसा, मतलब थोड़ी रुकता नहीं, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये तो हमने आपको समझाने में इतने स्टेप लगाए हैं, हमें करना हो तीन लाइन में कर दें, तुम्हें समझाने के लिए एक एक लाइन लिखी है ना, हमारे लिए तो तीन लाइन का काम है, तुम भी प्रैक्टिस कर लोगे तीन लाइन का, आप मतलब तुम भी लगा लोगे है ना, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब बता रहे हम कि कहीं कहीं क्या होता है कि उसका क्वेश्चन रहता नहीं है लेकिन लगा देते हैं। और एक चीज़ और, जल्दी करने के चक्कर में अगर यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिए तो हाथ और जलेंगे, यहाँ पे क्लियर डिफरेंशिएशन इसका आएगा ही नहीं, अंडर रूट वन प्लस वाई का वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स लिखोगे फिर वन प्लस वाई का करोगे, जटिल हो जाएंगी चीज़ें है ना, तो कैलकुलेशन कर लेना ही आसान है। एक सवाल दे रहे हैं, करो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टैन इनवर्स ए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करिए, बताएं कि लगा लोगे, हो नहीं रहा होगा ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है इसमें, सुनिए देखिए इधर, इसमें किया क्या जा सकता है कि पहले कॉस इनवर्स को इधर भेज दो,
भेज सकते हो, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया कॉस अंदर में टेन इनवर्स ए। कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, मतलब ये वह फंक्शन है कि नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो ही होगा। अब एक तरीका तो ये है यही डिफरेंशिएशन लगा दो, यहीं पर क्या करो डिफरेंशिएशन लगा दो। थोड़ा सा आसान करना हो तो इसको आप के मान लो, मान सकते हो इस पूरे पोर्शन को क्या मान लो के। युगांतरा अनुपात सुने हो, कंपोनेंटो डिविडेंडो करके एक चीज़ होती है ना, क्या होता है कि अगर a अपॉन b इज इक्वल सी अपॉन डी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कंपोनेंटो डिविडेंडो कहते हैं युगांतर अनुपात, योग और अंतर का अनुपात, ठीक है। तो वही चीज़ लगा देते हैं के के अपॉन में क्या मान लें, वन मान लें, तो अगर इसको जोड़ा जाए दोनों को तो आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस ले लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा k प्लस वन अपॉन के माइनस वन। क्या अभी भी एक कांस्टेंट फंक्शन ही है, x आ गया इसमें अभी भी कांस्टेंट ही है। अब इधर जोड़ो तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म, माइनस खोलोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर कितना है टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर, लेकिन किस में माइनस उधर भेजा तो माइनस ही हो गया, माइनस के प्लस वन अपॉन में के माइनस वन, ठीक। दो से दो कैंसिल, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे अंश बटे हर है ना, तो पहले क्या आएगा हर का स्क्वायर यानी वाई की घात चार, ऊपर हर को ऐसे ही छोड़ दो, डिफ्रेंशिएट कर दो किसको अंश को, अंश का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ो, डिफ्रेंशिएट कर दो किसको वाई स्क्वायर को। बात समझ में आई, ये हो गया एक्स स्क्वायर का टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में कितना वाई की पावर फोर और बराबर में कितना जीरो, इसका तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया ना, ये पूरा पोर्शन वाई की पावर फोर वाला उधर जाएगा जीरो, क्या इतना बचा, इसको अगर लिखें तो कितना आ जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। दो से दो कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आ गया कितना वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स इज इक्वल कितना डी वाई बाई डी एक्स, यही हो गया इसका आंसर। पहले ये नोट करो, फिर एक तरीके से इसको और कर सकते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है, दोनों नोट करो। अब नोट मतलब समझ रहे हो ना, इसको बाद में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, घर पे जाके चलाया करो वीडियो, देखा करो, उसको रोक लिया करो। हाँ तो इतनी बात आई होगी समझ में। एक तरीका और है इसका, देखो ध्यान से, इसमें किया क्या जाए, कॉस इनवर्स लिख लो इसको, कॉस इनवर्स अंदर ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ले सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या बना वन माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, अपॉन में भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा वन अपॉन मतलब वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जो कॉमन लिया था वो कहाँ गया, ऊपर नीचे कट गया, एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे दोनों कैंसिल हो गए, है ना, तो बराबर में कितना बचा टेन इनवर्स ए, ठीक। अब वाई बाई एक्स को आप मान लो कुछ, वाई बाई एक्स को टेन थीटा टाइप मान लो, है ना, तो ये बन जाएगा कितना वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वाई बाई एक्स को टेन इनवर्स थीटा टाइप का मान लो कुछ, या ऐसा ही है ना, इसको सॉल्व करोगे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा कॉस टू थीटा ना, तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको टेन थीटा के बराबर माना है, ये चीज़ ध्यान रखना, बराबर में कितना है टेन इनवर्स ए, कॉस से कॉस इनवर्स तो बचा कितना टू थीटा, थीटा की जगह कितना रखूँ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई,
बराबर में कितना tan इनवर्स a, समझे? ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवीज़न में। अब डिफरेंशिएट कर दो, tan इनवर्स x अपॉन y का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x बाई वाई का होल स्क्वायर, साथ में dx बाई d, इसका x बाई वाई का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, x बाई वाई का करोगे तो y स्क्वायर ऊपर y को रोक लोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर में कितना, क्या ये पूरा पोर्शन उधर जाके जीरो हो गया, तो बचा कितना y माइनस x dy बाई dx इज इक्वल कितना जीरो, यहाँ से dy बाई dx कितना आ गया y बाई x, यही पहले भी आया था, ठीक। तो ये हो गया इसको करने का दूसरा तरीका, समझ में आई बात नहीं आई? ये ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, लगाइए दें। लिखो y बराबर a, नहीं y बराबर x साइन a प्लस y, y बराबर a साइन x प्लस y, तो dy बाई dx निकालना, dy बाई dx निकालना है, करिए। आया आंसर? फिर से उलझ गए? नाम ही इस चैप्टर का क्या है, अस्पष्ट फलन है ना, स्पष्टता आ ही नहीं पाती कहाँ पर अवकलन करना है और कहाँ पर नहीं करना है। सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है शायद इतने के बराबर, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, है ना? 3 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 9, 11, 12 में, किताब पुरानी है वरना हो सकता है एक आध बार और पूछ लिया गया हो, ठीक है। चलिए सुनिए ध्यान से, तो इसको करते हैं सॉल्व, y का डिफरेंशिएशन बोल दो, y का डी वाई बाई डी एक्स, उस साइड में जब गए तो दो फंक्शन हैं x और साइन ए प्लस वाई, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 तो साइन ए प्लस वाई को छोड़ दिया, है ना, प्लस साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ देंगे, x को हमने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किया साइन ए प्लस वाई का, साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अगली लाइन में, ए प्लस वाई का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब आगे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल में है साइन ए प्लस वाई प्लस में एक्स कॉस ए प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स का डी मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे ए का जीरो और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बात समझ में आई? हमें निकालना है डी वाई बाई डी एस डी एक्स, है ना, तो पूरा फोकस डी वाई बाई डी एक्स पे, उसको बुला के इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, अब साथ में डी वाई बाई
डीएक्स, अगर मैं डीवाई बाई डीएक्स कॉमन ही कर लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, वन माइनस, और साथ में कितना डीवाई बाई डीएक्स। क्या ये बात समझ में आई? एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन और लगा रहा हूँ, एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, लिख सकता हूँ एक्स की वैल्यू वहाँ से अगर रख दूँ। ये ऐसा कर क्यों रहे? क्योंकि अपने आंसर में कहीं एक्स आ नहीं रहा, तो मैं तो एक्स को सब हटाना है ना हर जगह से। अरे एक्स की जगह वहाँ रख दिया कितना वाई अपॉन, यहीं रख दूँ अगली लाइन में साइन ए प्लस वाई लिख लो इसको, ठीक। अगली लाइन में लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अंदर आ गया वन माइनस, एक्स की जगह हमने रख दिया वाई अपॉन कितना साइन ए प्लस वाई, और वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, साथ में कितना है कॉस ए प्लस वाई, और बराबर कितना साइन ए प्लस वाई। यहाँ से अगर साइन ए प्लस वाई को इधर भेजूँ तो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस, वाई कॉस ए प्लस वाई, यहाँ कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये अपॉन वाला जो पोर्शन है साइन ए प्लस वाई, ये इधर जाके इसको क्या बना देगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे इसको सॉल्व करके अपॉन में लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक दूसरा तरीका भी देखो इसका, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, बाकी पोर्शन तो आ ही गया है। इसका एक दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका क्या कहता है कि जैसे आपने पढ़ा है ना डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई में एक रिलेशन होता है, क्यों क्या होता है रिलेशन, कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वन बाई डी एक्स बाई डी वाई, पढ़ा है ऐसा, ठीक। वहाँ से लगाते हैं इसको, देखिए वाई बराबर कितना दिया है एक्स साइन ए प्लस वाई, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं कितनी आ गई वाई साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई आ गई इतनी। हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे, हम डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी वाई, यानी पहले वाई को एक्स को वेरिएबल मानते थे, अब किसको मानोगे वाई, और वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है एक्स, तो एक्स की जगह मैंने लिख दिया कितना डी एक्स बाई डी वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंश बटे हर, हर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर साइन ए प्लस वाई को छोड़ दिया, डिफ्रेंसिएशन होगा किसका वाई का, किसके रिस्पेक्ट में वाई के ही रिस्पेक्ट में, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन वन है ना, तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस लगाया। फिर क्या करें, अब की बार वाई को छोड़ेंगे और डिफ्रेंसिएशन होगा किसका साइन का, तो कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का करोगे तो वन ही आएगा, ये वही चीज़ आ गई जो उधर आई थी। इसको आगे सॉल्व करना आपको आता ही है, सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स करके ला सकते हो। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन और देखिए। कुछ क्वेश्चन दे घर से करके लाने के लिए, चलो करना। वाई क्यूब लिखो, वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर टू बाई थ्री, एनसीईआरटी लग रही है पूरी कंप्लीट हो गई, उसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछना होगा उसको ले लेना है ना, बता देना। 4x प्लस 3y इज इक्वल लॉग 4x माइनस 3y, ये क्वेश्चन है घर से करके आने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल वन, ये किसकी क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त की ना, एलिप्स की।
ई की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल लॉग एक्स अपॉन वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल वन, ठीक। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको कैसे करोगे? टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे? नहीं, टेन को उधर भेजोगे, है ना। डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, नोट कर लो इसको। सेक एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए, तो प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वाई बाई एक्स। नोट करें इसको, फिर बताते हैं आगे। हो गया, चले आगे। सर लॉग की प्रॉपर्टीज याद हैं आपको कुछ? लॉग की प्रॉपर्टी बेस चेंज थ्योरम याद है? लॉग में बेस चेंज थ्योरम याद है? चलो बताते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो लॉग पर ही बेस्ड है, लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर। थोड़ा सा लॉग के बारे में जान लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मिटा दें इसको। चलिए सुनिए ध्यान से। लॉग में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये समझ लीजिए कि अगर दो फंक्शन इसमें मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं तो किस में हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। लॉग ई बेस एम प्लस लॉग ई बेस एन हो जाएगा। और यहीं अगर डिवीजन में दिए हैं तो माइनस में हो जाएंगे। वो चीज़ समझ रहे हो ना आप उसको, डिटेल में, है ना। दूसरी चीज़, लॉग में जो पावर होती है वो कहाँ चली जाती है? आगे चली जाती है। लॉग ई बेस एम हो जाएगा। ये सब तो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ थी। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। लॉग में अगर यहाँ और यहाँ दोनों एक ही चीज़ आ जाए तो इसका आंसर वन होता है, है ना। एक चीज़ और आपने देखी थी कि ई की पावर में अगर मैं कहूँ लॉग ई ए है तो इसका आंसर कितना आएगा? ए आएगा। अगर बेस और ये वाला बेस दोनों सेम हो जाएं तो जो फंक्शन होता है वो नीचे आ जाता है, ए आ जाता है। समझ में आई बात? जैसे अगर मैं कहूँ कि थ्री की पावर लॉग थ्री साइन एक्स तो इसका मतलब क्या? साइन एक्स। बात समझ में आई? सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। कैसे देखो, इसके पहले ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी अगर नहीं जानते हो तो ये क्वेश्चन शायद आप ना लगा पाते। ई की पावर लॉग ई एक्स की पावर फाइव माइनस ई की पावर लॉग ई एक्स की पावर थ्री अपॉन में ई की पावर लॉग ई x की पावर 2 माइनस e की पावर log e x, है ना। अब इसके पहले तो ना लगा पाते, प्रॉपर्टी अगर याद ना होती तो आप अंश बटा हर लगाते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो डिवीजन फार्मूला लगा देते, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 5 नीचे उतर आएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ऊपर कुछ कॉमन है, एक्स कर लो, है ना, क्यूब कर लो, कितना आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में x कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा, x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 का मतलब x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1, एक x से एक x स्क्वायर बचा, तो बचा कितना, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इसका करो तो हो जाएगा इसका कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2x, यही इसका आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह के क्वेश्चन लॉग में अब आने वाले समय में मिलेंगे। लॉग कहाँ लगेगा,
जहाँ फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया हो, जैसे अगर मैं पूछूँ x की पावर साइन x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता है, x की पावर साइन x का नहीं पता है। फंक्शन की पावर में क्या आ गया, फंक्शन। ऐसे केसेस में आपको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक। वो कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना करके आएँ, कल से लॉग वाला चालू हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज तक आप कंप्लीट कर लें, थर्ड नहीं फोर्थ तक, क्योंकि अस्पष्ट फलन भी बता दिया गया है, तो एनसीईआरटी में जहाँ तक हो अस्पष्ट फलन वो पूरा कंप्लीट करके आएँ, और फिर कल लॉगरिथम वाला काम चालू करते हैं।